लाइव इसलिए आए हैं ताकि हम आपको दिखा सके कि ड्राई ऑयस्टर मशरूम की क्वालिटी प्रॉपर और एक्चुअली किस तरीके से होनी चाहिए। और यही हमारा मोटो है कि आप देख सको कि एक्चुअल में क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे ग्रोवर्स बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। एक्चुअल में जो भी नए ग्रोवर्स होते हैं, जो भी बिगिनर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। और ऐसे में जब अब GBS टीम काम कर रही है, बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आ जाते हैं, तो सभी लोगों को हम यहाँ पर सॉल्यूशंस या फिर उनके आंसर्स नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हम करते हैं उनमें ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उनके छोटे मोटे सवाल होते हैं, कुछ डाउट्स भी होते हैं, तो उनका जो आंसर्स है हमें प्रॉब्लम हो जाता है और ऐसे वक्त हम उनको आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे सवाल आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जब भी हमारे पास में टाइम रहेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। अब क्वालिटी में देखिए, ऑयस्टर मशरूम की, ड्राई ऑयस्टर मशरूम की क्वालिटी बहुत सारी अलग अलग तरीके के क्वालिटीज़ होते हैं। अब यहाँ पर ड्राई ऑयस्टर मशरूम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर तो पैकेजिंग 50 माइक्रोन के ऊपर ही प्लास्टिक यूज़ की है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है और यहाँ पर जो भी सील मारी है वो भी सील काफ़ी अच्छी है, राइट। 2 mm तक इसकी सील होंगी और इसमें मॉइस्चर अंदर नहीं जाएगा और पूरी तरीके से ये अच्छा ड्राई भी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम ड्राई मशरूम को इस तरीके से गठोड़ा बांध के जो अगर पैकेजिंग करके रखते हैं तो इसमें हमें प्रॉब्लम्स जा सकती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी क्वालिटी कैसे रखी है। समझो हम इसको अभी खोल के देखेंगे, अभी समझो बारिश के दिन है, बारिश के दिन में, दीप इसको खोल के दो, बारिश के दिनों में हमें क्या होता है, एक्चुअली हमें समझ में ही नहीं आता कि मशरूम के इसमें हमारा मॉइस्चर जा रहा है नहीं जा रहा है। जब आप खोल के देखोगे, समझो उसमें उसको आपने रख दिया 2 महीने तक, स्टोर करके रख दिया, और बाद में आप 2 महीने के बाद में अगर उसको खोल के देख रहे हो तो बाद में आपको समझ में आता है कि उसमें मॉइस्चर गया है। तो बारिश के दिनों में जब आप मशरूम को स्टोर करके रखते हो तो सही तरीके से सील करके आप स्टोर करके रखिए और अच्छे पॉलीथीन में, ताकि वो प्लास्टिक भी या फिर पॉलीथीन भी फटी हुई ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑयस्टर मशरूम है, यहाँ पे देखो मशरूम का आवाज़ किस तरीके से आ रहा है, राइट। तो ये जो मशरूम की क्वालिटी है, ये साजर का जो वेराइटी है, और स्पेशली हम इसी वेराइटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और इसी वेराइटी को हम परचेस भी करते हैं। तो इस वेराइटी को जब हम परचेस करेंगे तो इसमें क्वालिटी देखेंगे। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ड्राई ऑयस्टर में क्वालिटी में बहुत चीज़ें लोग गलतियाँ कर देते हैं। ऐसा ही एक ग्रोवर है हमारा, राइट, और उन्होंने, मतलब हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं उस तरीके से अगर पूरे वीडियोज़ आप ट्रेनिंग सेशन में नहीं देखते हो, सही तरीके से पढ़ते नहीं हो, हमारी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है आपको अच्छे से पढ़ाने का, आपको सपोर्ट देने का काम और कोशिश कर रही है। अब इसमें कुछ ग्रोवर से ध्यान नहीं देते पूरी तरीके से, मशरूम तो ग्रो कर लेते हैं, अब स्टोरेज प्रॉपरली किया नहीं। जिस ग्रोवर ने हमें ड्राई मशरूम भेजा उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं किया, ना ही उसको प्लास्टिक में सही तरीके से पैकेजिंग किया। इससे क्या हुआ कि उसमें मॉइस्चर तो पकड़ लिया, उसके साथ में छोटे छोटे कीड़े और मकोड़े लग गए, आप देख सकते हो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब कुछ ऐसे भी ग्रोवर्स होते हैं जिसमें, मैं आपको वो मशरूम दिखाना चाहूँगा दीप, वो जो फटे हुए मशरूम है ना, वो लाओ उधर से। तो उसमें एक चीज़ होती है कि मशरूम को फाड़ा जाता है, स्पेशली ड्राई मशरूम को। ड्राई मशरूम को फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पैकेजिंग, आपकी कटिंग सही तरीके से होना चाहिए। समझो मैं आपके पास में एक मशरूम ले रहा हूँ, ठीक है, अब समझो ये फ्रेश मशरूम है, आप फ्रेश में बेचना चाहते हो तो इसकी लंबी डंडी है तो ठीक है, मतलब वो सब्जी में या फिर जिस भी रेसिपी या फिर होटल में भी जा रहा है तो आपका सेल हो जाएगा और वो डिशेस में भी यूज़ हो जाएगा। लेकिन जब आप मशरूम को ड्राई करते हो तो ड्राई करते वक्त डंडी जो है बीच में से काट डालिए। अब ये जो डंटल होगा इसका आप यूटिलाइजेशन पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हो, उसका पाउडर बना के हम सेल कर सकते हैं, वो भी डंटल हम ले ही लेते हैं, ठीक है। रेट्स डिपेंड ऑन क्वालिटी हम आपको बता देते हैं। वैसे भी बहुत सारे लोग हमको ड्राई सप्लाई कर रहे हैं, नासिक से भी है, पुणे से भी है, छत्तीसगढ़ रायपुर से भी है, वेस्ट बंगाल से भी ड्राई मशरूम आता है। तो जगह जगह से जब मशरूम हमारे पास में आ रहा है, अब देख सकते हो ये जो मशरूम की क्वालिटी है, देखिए इसको कटा मतलब है। अब जब इसको अगर हम सेल करने की कोशिश करेंगे और आप यहाँ पे मशरूम देख रहे हो तो पैकेजिंग करना है, तो पैकेजिंग के लिए हम कैसे करें और ये मशरूम का हम क्या करें,
तो ऐसे मशरूम जो है हमें मतलब क्वालिटी पसंद नहीं और ये क्वालिटी हम रखते भी नहीं। जो भी ग्रोवर से उसको कटिंग और पैकेजिंग फ्रेश में भी और ड्राई में दोनों भी हम अच्छी तरीके से उनको सिखा देते हैं। तो पैकेजिंग करते वक्त आपका मशरूम क्वालिटी सही होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इस तरीके का मशरूम आपके पास में होना चाहिए, उसका पैकेजिंग भी सही तरीके से सीलिंग करके आपने रखना चाहिए और तभी जाके आपका मशरूम ड्राई सही में और अच्छे से रहेगा। मैं आपको यही ड्राई मशरूम की क्वालिटी जो ख़राब वाली भेजी है वो मैं आपको जल्दी से जल्दी दिखाना चाहता हूँ और अभी आपको दिखाऊँगा। चलिए ड्राई मशरूम की क्वालिटी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो बॉक्स है, दीप ये खोल के दिखाना, ये जो बॉक्स है इसमें देखिए आप कि ये मशरूम है, ठीक है, वो पॉलीथीन खोलो। यहाँ पर देखिए कि मतलब एक्चुअली सिर्फ पॉलीथीन में ऐसे बीच में डाल के रखा है, ना इसको सील है ना कुछ, राइट। तो इस तरीके से अगर ड्राई मशरूम भेजोगे, ऐसे बॉक्स में भेजोगे तो क्या होगा, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें मॉइस्चर तो पूरी तरीके से गया। अब इसकी क्वालिटी देखो, आप क्वालिटी देखिए किस तरीके की है, पूरे कीड़े लग चुके हैं इसमें। अब चलिए उन्होंने ये क्या किया, टूपे की वजह से हमने इसको 500 रुपये पे कर दिए इतने सारे बॉक्स को, ये बॉक्स के लिए हमने रिसीव करने के लिए 500 रुपये पे कर दिए। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने पे कर दिए, प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि जो ड्राई मशरूम आया उसमें पैसे तो पैसे गए लेकिन ड्राई मशरूम आया वो क्वालिटी नहीं आया, और इस वजह से सामने वाले को तो मतलब भेजते वक्त एक सोचना चाहता है, ऐसा लग रहा है इसको हाथ में भी ना लूँ या फिर पकड़ूँ भी नहीं। और इसमें जो है इसको फोड़ के दिखाओ, इसके कीड़े दिखाओ जो भी है, इसके अंदर जो है कीड़े हैं, और दिखाओ शायद इस तरीके से अगर क्वालिटी आएगी तो क्या करेंगे इस ड्राई मशरूम का। सो कोई भी ग्रोवर हो, मतलब नुकसान किसी का भी नहीं होना चाहिए, मशरूम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए, इस तरीके के मशरूम्स ना भेजे, खुद का भी और सामने वाला का भी, आपकी जो भी मशरूम्स होंगी वो अच्छी क्वालिटी जाना चाहिए, खुद का भी और दूसरों का भी नुकसान ना हो, इस पर ध्यान दीजिए। अब इस ग्रोवर से हम ड्राई मशरूम्स कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर ड्राई मशरूम्स आप हमें भेजोगे तो हमारा और आपके ऊपर का ट्रस्ट नहीं रहेगा और आगे रिलेशनशिप और बिजनेस में जो भी डीलिंग होनी चाहिए वो भी नहीं होती है। अब बेस्ट क्वालिटी ड्राई मशरूम भेजने वाले हमारे महाराष्ट्र से दो बंदे हैं जो काफ़ी अच्छा ड्राई मशरूम क्वालिटी भेजते हैं। इसमें सबसे पहला बंदा जो है अनुज यावले, जिसका मैं हर वक्त मेरे वीडियोस में भी नाम लेता हूँ, वो बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राई मशरूम हमें भेजता है। अब ये क्वालिटी ड्राई है, देखिए कितना कितना फ़र्क है ये मशरूम में, वो वाला मशरूम मिला, ठीक, ये मशरूम देखिए, इसको हाथ पकड़ते हैं तो ये कितना मतलब अच्छा और क्वालिटी लगता है, मतलब ये कितना सुंदर दिख रहा है, राइट। दूसरा ये भी मशरूम है कि इस तरीके से फाड़िए मत, ठीक है, मतलब आपके यहाँ पर अगर चल जा रहा है तो ठीक है, लेकिन GBS मशरूम को अगर भेजना है पर्टिकुलर किसी कंपनी को जो डिमांड कर रही है कंपनी, तो उनके लिए वो आप उसी तरीके से ड्राई मशरूम भेजिए, राइट। तो हर एक बंदे को, हर एक ग्रोवर को हम अच्छी तरीके से सिखाते हैं कि ड्राई मशरूम की पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए और किस तरीके से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो हम इस तरीके से बनाते रहेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।